उत्तर प्रदेश में कोरोना वैक्सीन लगाने की तैयारी को लेकर यूपी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। इस फैसले के तहत राज्य सरकार ने अपने स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 में कोरोना वैक्सीन को लेकर चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के अधिकारी, स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारी सबकी छुट्टियां रद्द कर दी गई है। इसमें संविदा कर्मचारियों को भी शामिल किया गया है। साथ ही छुट्टी पर चल रहे अधिकारियों और कर्मचारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो 16 दिसंबर को हर हाल में अपना ऑफिस ज्वाइन कर लें। जानकारी के मुताबिक वैक्सीन के रखरखाव के साथ साथ वैक्सीन को लगाने की व्यवस्था की जा रही है। साथ ही वैक्सीन के लिए लोगों को ट्रेनिंग देने का काम भी किया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से देश में लगातार कोरोना वायरस के मामलों में कमी देखने को मिल रही है और पूरा देश कोरोना वैक्सीन का इंतजार कर रहा है। जानकारी के मुताबिक कोरोना वायरस की वैक्सीन के लिए 1 करोड़ स्वास्थ्य कर्मियों में से 50 लाख को सबसे पहले टीका दिया जाएगा। वैक्सीनेशन को लेकर तैयारी शुरू हो गई है और वैक्सीनेशन के लिए सभी जरूरी संसाधन राज्यों के पास पहुंचाए गए हैं। बता दें कि यूपी में पहले चरण में 4 करोड़ 85 लाख लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीनेशन सबसे पहले हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगेगा। पहले चरण में कुल 7,65,000 हेल्थ वर्कर्स और 22,30,000 फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। वैक्सीनेशन अभियान सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक चलाया जाएगा।